वेलकम बैक टू माय चैनल दृष्टि कुकिंग धमाका। तो आज मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ ये टेस्टी पोटैटो कैबेज मंचूरियन बनाने की रेसिपी। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज गिव इट अ थम्स अप। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि आपको ये रेसिपी कैसा लगा। अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स के साथ जरूर इसे शेयर करें। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और जरूर प्रेस करें बेल आइकन को, ताकि आपको मेरे सारे नंबर सूचना मिल सके। तो चलिए देख लेते हैं कि ये टेस्टी रेसिपी बनाने का मेथड क्या है। गाइज, इस टेस्टी रेसिपी को बनाने के लिए हमने यहाँ पे एक बॉल ले लिया है और अब हम इसमें ऐड करने वाले हैं कैबेज। अब देख सकते हैं गाइज, यहाँ पे हमने कैबेज ऐड कर लिया है। हमने यहाँ पे एक स्मॉल साइज के कैबेज को अच्छे से ग्रेट करके ले लिया है। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे पोटैटो। यहाँ पे हमने दो बड़े साइज के पोटैटो को अच्छे से ग्रेट करके ले लिया है। पहले हमने इसे वाटर में सॉल्ट देकर इसको 5 मिनट्स तक रख लिया था। यहाँ पे अब हम ऐड करेंगे 5 टेबलस्पून मैदा। अब इसमें ऐड करेंगे 3 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर। अब ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। अब हम इसमें ऐड करेंगे टर्मेरिक पाउडर, अब रेड चिली पाउडर, अब ऐड करेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग सॉल्ट। अब हम इन सारे इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब देख सकते हैं गाइस, हमने इस सारे इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे गरम मसाला। आपको इसमें गरम मसाला ऐड करने के बाद इसे फिर से मिक्स कर लेना है। अब हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा फूड कलर, रेड फूड कलर मैंने यहाँ पे यूज किया है। अब इसे आपको फिर से अच्छे से मिक्स कर लेना है। अब हमें कैबेज और पोटैटो के मिक्सचर से बॉल्स बनाना है। आपको जितना बड़ा साइज का लेना है आप उतना बड़ा साइज का बना सकते हैं। अब आपको इसे कॉर्नफ्लोर से ऐसे कोटेड कर देना है और अब हम बाकी सारे बॉल्स भी बना लेते हैं। आप देख सकते हैं गाइस, हमने इन सारे बॉल्स को रेडी कर लिया है। तो अब हम इन सबको फ्राई करेंगे। तो गाइस, मंचूरियन बॉल्स बनाने के लिए हमने यहाँ पे कढ़ाई गरम कर लिया है और कढ़ाई में हमने ऑयल भी डाल दिया है और ऑयल हमारा गरम ही हो चुका है। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे मंचूरियन बॉल्स। अब देख सकते हैं गाइस, हमने यहाँ पे मंचूरियन बॉल्स ऐड कर लिया है और ये फ्राई होना भी स्टार्ट हो चुके हैं। हमने इन सारे मंचूरियन बॉल्स को डीप फ्राई कर लिया है। तो अब हम इसे निकाल लेते हैं। ऐसे ही हमने बाकी सारे मंचूरियन बॉल्स को भी फ्राई करके निकाल लेना है। अब देख सकते हैं गाइस, हमने सारे मंचूरियन बॉल्स को फ्राई कर लिया है और ये सारे अंदर से भी अच्छे से बन चुके हैं। अब हमें उसी कढ़ाई में तेल गरम करके यहाँ पे ऐड कर देना है जिंजर। अब ऐड करेंगे गार्लिक और अब ऐड करेंगे ऑनियन। हमने यहाँ पे ऑनियन को स्क्वायर शेप में काट लिया है। हमारा ऑनियन हो चुका है। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे ग्राउंड ब्लैक पेपर। इसी तरह से स्टर करेंगे और अब ऐड करेंगे टमाटो। यहाँ पे हमने टमाटो का पेस्ट ऐड किया है और आप बोल सकते टमाटो प्यूरी ऐड किया है। अब ऐड करेंगे रेड चिली पाउडर। अब यहाँ पे ऐड करेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग सॉल्ट और अब ऐड करेंगे गरम मसाला और अब ऐड करेंगे सुगर। यहाँ पे हमने यप्पी का जो टेस्ट मेकर आता है वो भी ऐड कर दिया है। अब हम इसे फिर से मिक्स करेंगे। अब हम इसमें मंचूरियन बॉल ऐड करेंगे। अब ऐड करेंगे रेड फूड कलर। अब इसे जरा अच्छे से मिक्स करने के बाद हम ऐड करेंगे कॉर्नफ्लोर और वाटर को मिक्स करके। अब हमें इसे जरा अच्छे से मिक्स कर लेना है।
अब हम इसमें ऐड करेंगे सोया सॉस, थोड़ा सा चाइना सॉल्ट, ये ऑप्शनल है। अब इसे जरा सा मिक्स करेंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे कस्तूरी मेथी। कस्तूरी मेथी को जरा आपको हाथों से मसल कर ऐड करना है। और अब हम ऐड करेंगे टोमेटो केचप। अब ऐड करेंगे इसमें ग्रीन चिली सॉस। अब इसे जरा अच्छे से मिक्स करेंगे। अब हम जरा सा वेट कर लेंगे 3 to 4 minutes, जब तक ये कुक नहीं हो जाता। आप देख सकते हैं गाइस, 3 to 4 minutes हो चुका है और हमारा मंचूरियन बन के रेडी हो चुका है। तो चलिए अब हम इसे सर्व कर लेते हैं। आप देख सकते हैं गाइस, हमने इसे सर्व कर लिया है और ये कितना टेस्टी लग रहा है। और इसे हमने कस्तूरी मेथी के साथ गार्निश भी किया है। तो गाइस, ये थी हमारे पोटैटो केबज मंचूरियन बनाने की रेसिपी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ गिव इट अ थम्स अप। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको ये न्यू रेसिपी कैसा लगा। अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ ज़रूर इसे शेयर करें। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़रूर प्रेस करें बेल आइकन को, ताकि आपको मेरे सारे अपडेट्स क्विकली मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज़।